फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। मैं सुरेहा पॉश दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ अपना सेम ही टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। और आज टॉपिक जो है हमारा ख़त्म होने वाला है, तो टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा फिर से। टॉपिक हम कर रहे थे वॉइसेस पे। वॉइसेस पे मैंने आपको, जो सब्सक्राइबर हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी कि वॉइसेस आखिर होते क्या हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ग्रामर का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है वो ग्रामर पे ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं वॉइसेस के बारे में हल्का सा आपको रिकैप करवा देती हूँ। वॉइसेस में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि हमारे पास वर्ब रहता है। वर्ब हमारे पास दो तरीके का होता है, ट्रांजिटिव होता है देन इंट्रांजिटिव। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसकी दो वॉइसेस होती हैं जिनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस रहता है? जो आपका एक्टिव वॉइस होता है वहाँ पे दिखाया जाता है जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से एक्ट करता है। जो पैसिव वॉइस है वहाँ पे बताया जाता है कि एक्ट जो है वो किस तरह से सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जब भी मैं आपको वॉइसेस समझाने की कोशिश करती हूँ तो शुरुआत मैं करती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो वर्ब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है, तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके वॉइसेस तक आपको ग्रामर में करवा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में बताया जाता है सब्जेक्ट किस तरह से एक्ट करता है, और जो पैसिव वॉइस होती है वहाँ पर बताया जाता है एक्ट जो है किस तरह से सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको करवाए हैं। मैंने आपको एफिर्मेटिव करवाए हैं, नेगेटिव करवाए हैं, इंटरोगेटिव करवाए हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए हैं। उसके बाद में मैंने आपको बहुत सारे मॉडल्स में किस तरह से हम वॉइसेस चेंज करते हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो मैंने आपको करवाई। उसके अलावा हमने बहुत सारे सेंटेंसेस वॉइसेस में कर लिए हैं। आज मैं आपको तीन तरह की चेंजेस बताऊंगी जब भी बात एक्टिव से पैसिव में की जाएगी। तो कुछ नॉर्मल चेंजेस होते हैं जो हर एक सेंटेंसेस में किए ही जाते हैं। वो है जब भी बात एक्टिव पैसिव की जाती है, और एक्टिव पैसिव में जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो ये चीज जो है वो कॉमन रहती है। जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन लग जाती है बाय लगता है एज एन एजेंट। कुछ नॉर्मल चेंजेस होते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में अगर आपको आई दिया गया होगा, पैसिव वॉइस में मी बन जाता है। अगर वी होगा एक्टिव वॉइस में अस हो जाएगा, आवर होगा अगेन अस हो जाएगा, ही अगर आपको दिया गया होगा हिज या हिम आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, शी अगर आपको दिया गया होगा हर आ जाएगा, दे अगर आपके पास होगा तो देम जो है आप लिख डालेंगे। तो ये जो नॉर्मल चेंजेस थे जो मैं आपको अपनी जितनी भी वीडियोस मैंने वॉइसेस पे करवाई हैं आपको मैंने हर किसी के बारे में समझाया है। बार बार मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि जितने भी नए हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको डाउट ना हो कि मैं जो टॉपिक करवा रही हूँ उस टॉपिक का आखिर मतलब क्या है, टॉपिक मैं आखिर क्यों करवा रही हूँ आपको। तो चलिए, आज मैं जो आपको करवाने वाली हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको करवाऊँगी आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने जब शुरुआती वीडियोस में आपको करवाया था वॉइसेस की, वहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। जब आपके पास आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को जब आप इंटरोगेटिव करते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस को आपको इंटरोगेटिव करते थे डू डज लगा के, जो आप ऑक्सिलरी वर्ब्स लगा के आप जितने भी सेंटेंसेस बनाते थे उनको भी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आज मैं जो आपको करवाने वाली हूँ वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, एक सेंटेंस जो है वो शुरू होगा इंटरोगेटिव जितने भी वर्ड्स दिए गए होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया एट्सेट्रा, और दूसरा होगा जो डब्ल्यू एच ओ दैट इज हु, जो हु के साथ बिगेन होगा एक्टिव वॉइस में है। तो दोनों ही इंटरोगेटिव सेंटेंस, बाकी जो होंगे वो व्हाट, व्हेन, वेयर, इनके रूल्स अलग होंगे, और जो हु होगा हमारे पास उसके रूल्स अलग दिए गए होंगे। चलिए एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ इंटरोगेटिव वर्ड जो हमारा व्हाट के साथ शुरू होगा। मैं एक्टिव में लिखती हूँ व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे कुछ जो चेंजेस हैं वो आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहला, जितने भी
ये इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे, आपने क्या करना है जब इस चीज को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस की शुरुआत सेम इंटरोगेटिव वर्ड के साथ ही की जाएगी, सेम इंटरोगेटिव वर्ड ही लगेगा जब भी बात अदर देन हु इंटरोगेटिव वर्ड्स की जाएगी। जहाँ पे हु ना हो के बाकी सेंटेंसेस बाकी जो इंटरोगेटिव वर्ड होंगे वहाँ पे आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस की शुरुआत अब सेम उसी वर्ड के साथ करेंगे। अब बाकी जो है बाकी आपको अकॉर्डिंगली जो टेंसेज मैंने आपको चेंज किस तरह से करते हैं वो बताए थे उसी के मुताबिक चेंज होंगे। अब देखो यहाँ पे है आर यू डूइंग, हमें पता चल गया यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है, यू है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी दी गई है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे टेंस किसकी बात की जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाती है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, इज एम और लगा देते हैं, बींग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, साथ में जो भी हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो रूल्स बताए गए होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बार बार कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए आपको टेंसेस की वीडियोस देखना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी टॉपिक हो आपके पास, स्पीच का टॉपिक हो, वॉइसेस का टॉपिक हो, उसमें टेंसेज ही अप्लाई होते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो टेंसेज हैं वो क्लियर करने की कोशिश करें, आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं आसान लगेंगी। अब देखिए यहाँ पे था व्हाट आर यू डूइंग, हमें पता चल गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है। अब ये एक्टिव वॉइस है, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया जो आपके इंटरोगेटिव वर्ड होंगे अदर देन WHO उनको आप उसी के साथ बिगेन करेंगे जो आपको इंटरोगेटिव वर्ड दिया गया होगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा व्हाट, व्हाट आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे अगेन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर किसी के रूल्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स वाले थे, अगर आपको याद होगा जो इंटरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब से बिगेन होते थे, उन सेंटेंसेस को भी हम एक्टिव से पैसिव करने के लिए इंटरोगेटिव वर्ड का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो हमारे पास सेंटेंस क्या होते थे, इंटरोगेटिव। उसी तरह ये भी इंटरोगेटिव है, इसको भी हम बिगेन करेंगे इंटरोगेटिव वर्ड के साथ। अब देखिए यहाँ पे व्हाट लग गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया है इंटरोगेटिव वर्ड के साथ बिगेन करना है। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, इज आ जाएगा, बींग आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि बात की गई है कुछ करने की, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज बींग डू डिड डन बाय यू आ गया अब आपका ऑब्जेक्ट के जगह पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस जब मैं पैसिव में बात करती हूँ यहाँ पे मैंने आपको बोला आपके द्वारा क्या किया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, सेम ही दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस, बस इतना सा ही फर्क रहेगा, जो इस तरह के इंटरोगेटिव वर्ड होंगे उनको आप इसी के साथ यूज़ करेंगे, बाकी जो टेंसेस के चेंजेस थे वो सेम, जैसे मैंने आपको शुरुआत में करवाया था कि टेंसेस को किस तरह से चेंज करता है किया जाता है वॉइसेस में, वो सेम ही रहेगा, उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ WHO वाला। अब WHO की मैं बात करती हूँ, मैं एग्जांपल लेती हूँ, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, मैंने पूछा हु टीच यू, ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस। अब याद रखिएगा जब भी बात WHO की आएगी, जब आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे आपको बिगेन करना है बाय होम के साथ, प्लस जो चेंजेस मैंने आपको बोले थे वो रिमेन सेम। जिस भी तरह के सेंटेंसेस की मैंने टेंसेस की बात करी थी, टेंस किस तरह से चेंज करने हैं वो सेम ही रहेगा, पैटर्न जो एक्टिव वॉइस ये वाला पैटर्न है वो भी सेम ही रहेगा। बस आपने याद रखना है कि WHO की जगह पे लग जाएगा बाय हूँ और बाकी सेंटेंस। अब देखिए एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा हु टीच यू, पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया बाय हूम लग जाएगा, बाय हूम लग गया। अब देखिए टीच यू, हमें पता चलेगा ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में। अब हमारे अगर आपको टेंसेस याद होंगे, जब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, एस और ईएस लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। अब प्रेजेंट सिंपल अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया होगा, उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वहाँ पे आ जाएगा इज एम और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे मैं लिखा बाय होम, अब ऑब्जेक्ट है आपके पास यू, यू को आपने सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना है, बाय होम यू के साथ क्या लग जाएगा, और यू टीच डॉट
डॉट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो व्हाट व्हेन वेयर वाले होंगे उनका जो एक्टिव से पैसिव में अगर आप जाएंगे तो सेम आपको व्हाट व्हेन वेयर ही यूज करना है। और जब बात WHO हु की जाएगी वहां पे आप बाय हुम से सेंटेंस को बिगेन करेंगे, बाकी जो चेंजेस रहते हैं वो आपके लिए सिंपल ही रहेंगे, वहां आपने किसी तरह के चेंजेस नहीं लाने हैं। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो मैं आपको वॉइसेस में ही करवाने वाली हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है। और अगर किसी तरह की आपको कन्फ्यूजन होती है, कुछ समझ नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और वॉइसेस में आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो स्टेप क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए गए होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं जहाँ पे बच्चा जो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या वहाँ पे हम करेंगे, किस तरह से हमने चीज़ें लिखनी हैं। तो उन तरह के सेंटेंसेस में किस तरह के चेंजेस आएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। एग्जाम्पल में मैं एक्टिव वॉइस में लेती हूँ, ही हैज़ गिवन मी his pen, he has given me his pen। अब देखिए he has given me his pen, me भी object है, his pen भी object है, हमारे पास यहाँ पे दो objects दिए गए हैं। अगर बात की जाएगी दो objects की तो यहाँ पे किसी तरह की confusion नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब भी बात passive में change करने की होगी जहाँ पे दो subjects दिए गए होंगे, आप क्या कर सकते हैं, one of the objects can be taken as a subject while changing active voice into passive voice। आपने क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं और उनसे आप शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने का। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से चेंज करने की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ही हैज गिवन मी हिज पेन, ये है पैसिव वॉइस। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं मी जो है एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मैं पहले इसको लेने की कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से एक्टिव वॉइस में किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं। मी, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर आई आपको दिया गया होगा पैसिव वॉइस में मी बन जाएगा, और उसी तरह रेसिप्रोकेट होगा, अगर आपको एक्टिव में मी दिया गया है तो पैसिव में वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो मी की जगह पे आ गया आई। अब देखिए हैज गिवन हमारे पास आ गया, हैज गिवन हमें पता है हैज या हैव साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है, तो अगर आपको टेंसेस याद हैं तो मैं फिर से आपको करवा देती हूँ, अगर याद नहीं है तो ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है, इनको अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यहाँ पे हैज हैव लग जाता है, बिन लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, अगेन टेंसेस को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा तब जाके आप ये सारे चेंजेस आराम से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला मैं मी से पहले चेंज करने की कोशिश करूँगी, आई, मी की जगह पे आ गया आई। अब आई के साथ में क्या आता है, हैव, आई हैव बिन गिवन, क्या आता है, आई हैव बिन गिवन, ये मैंने लगाया जो इनके रूल्स हमने शुरुआत की वीडियोस में करे थे वॉइसेस जैसे ही मैंने शुरू करवाई थी, आई हैव बिन गिवन। अब मैं क्या करूँगी, हिज पेन, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट दिया गया था वो मैंने लिख लिया, आई हैव बिन गिवन हिज पेन बाय हिम। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने जो ऑब्जेक्ट था मी उसका इस्तेमाल करा, उसको मैंने स्टार्टिंग में रखा, अब हमें पता है हैज या हैव लग जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स और अकॉर्डिंग टू द जो आपको पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए होते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने हैज या हैव का इस्तेमाल करना होता है, उसके साथ में बिन लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है और ऑब्जेक्ट जो भी दिया गया होता है बाय प्रपोजिशन अकॉर्डिंगली जो आपको दी गई होती है वॉइसेस को चेंज करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख लिया आई हैव बिन गिवन हिज पेन बाय हिम, ये हो गया एक जब मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अब मैं इस्तेमाल करती हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट का, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास हिज पेन हैज बिन गिवन। अब यहाँ पे मी जो है वो चेंज नहीं होगा,
यहाँ पे आप एक और प्रिपोजिशन का इस्तेमाल कर लेंगे, हिज पेन हैज बिन गिवन टू मी बाय हिम। तो इस सेंटेंस को करने के दो तरीके हैं। मैंने क्या किया, जब मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पे आई के साथ में जो आपको सेकंड ऑब्जेक्ट दिया गया था वो बिफोर ऑब्जेक्टिव पार्ट से पहले, जो बाय से पहले मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे भी मैंने बाय से पहले जो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया गया था वो इस्तेमाल कर लिया। सिर्फ इतना सा चेंज आया है जब मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हिज पेन का, वहाँ पर मैंने टू लगा के जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका था उसके साथ में टू लगा दिया, बाय लगा दिया, और जो आपको दिया गया था सब्जेक्ट जिसको आपने ऑब्जेक्ट बनाना था वो मैंने लिख दिया। तो याद रखिएगा, अगर आपको सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं तो वहां पे आपको किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के लिए आप पैसिव वॉइस इन दो तरीकों से बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाइए, बाकी जो चेंजेस हैं वो सेम ही रहते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय, जो लगा है वो सेम ही है, इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आए। उसी तरह जो मैंने कुछ आपको प्रोनाउंस बताए थे किस तरह से चेंज किए जाते हैं वो भी सेम ही है। बस थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया है कि जब आपको दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, एक आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे और दूसरे को आप जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ शुरुआत करें, जिसमें सब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है आप बीच में लिखेंगे लेकिन उसके साथ में अनदर प्रपोजिशन का आप इस्तेमाल करेंगे। यहां पे आप अगेन टू का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी तरह जो वॉइसेस हैं वो होती बहुत इजी हैं, बट कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको करवाई जाती तब आपको आसान लगती है, लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाता है तब आपको डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। तो जितना हो सके वॉइसेस के लिए टेंसेस प्रिपेयर करें, आपको टेंसेस जैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे वॉइसेस आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। टेंसेस से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले टेंसेस पे फोकस रखना है। टेंसेस क्लियर होंगे, वॉइसेस के बाद स्पीच अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, थर्ड जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। आप देखते हैं कुछ सेंटेंस में आपको इन्फिनिटिव्स जो हैं वो दिए गए होते हैं, मतलब कुछ सेंटेंस में टू जो है आपको दिया गया होता है और सेंटेंस लिखा गया होता है। अब जब बात एक्टिव वॉइस की जाएगी, अगर उन सेंटेंसेस में आपको इन्फिनिटिव्स दिए गए होंगे तो आपने किस तरह से चेंज करना है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे ये मेरे पास एक्टिव वॉइस है, मैं लिखती हूँ आई हैव टू डू दिस जॉब, आई हैव टू डू दिस जॉब। अब देखिए यहाँ पे टू मैंने लिख दिया है, यहाँ पे इन्फिनिटिव्स जो है वो मैंने लगा दिए हैं। अब अगर आपको इन्फिनिटिव्स दिए गए होंगे, जब आप बात एक्टिव से पैसिव में जाने की करेंगे तो किस तरह के चेंजेस होंगे, तो एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी बात पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव्स की जाएगी वहाँ पे आप टू लगा देंगे, बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब देखिए आप बोलेंगे कि वहाँ पे मॉडल्स का भी तो सेम ही था, लेकिन बिल्कुल सेम था मॉडल्स का, हैव टू मॉडल ही होता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे टू आपको अलग ही दिखता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको किस तरह से चेंज करना है, इसलिए इनको अलग तरीके से करवाया जाता है कि जिन भी सेंटेंसेस में आपको इन्फिनिटिव्स दिए जाएंगे वहाँ पे आपने पैसिव वॉइस में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, टू लगाना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं, आई हैव टू डू दिस जॉब, यहाँ पे आ जाएगा दिस जॉब हैज टू बी डन बाय मी। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करा मैंने, यहाँ पे टू लगा दिया है, बी लगा दिया है अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है इन्फिनिटिव्स को जैसे ही आप चेंज करेंगे इन्फिनिटिव्स के साथ में आपने बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और पैसिव वॉइस आपके आसानी से बन जाएंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी आपको टू दिखेगा एक्टिव वॉइस में वहाँ पे जब आप सब्जेक्ट से सॉरी एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं वहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रपोजिशन अगेन बाय लगेगा एज एन एजेंट। उसी तरह बाकी जो चेंजेस थे पर्सनल प्रोनाउंस के, जैसे एक्टिव वॉइस में आई और पैसिव वॉइस में मी बन जाएगा, वी अगर एक्टिव वॉइस में होगा पैसिव वॉइस में आस, एक्टिव वॉइस में आवर होगा अगेन आस बन जाएगा, ही का हिज या हिम आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, शी की जगह पे हर आ जाएगा, दे की जगह पे देम आ जाएगा। तो वहाँ पे आपने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आपको इन्फिनिटिव्स देखें आप बाकी जो टेंसेस हैं टेंसेस को तो आप ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, जिस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे
वो सेंटेंसेस आपको याद रखने ही रखने हैं। सेंटेंसेस में टेंस किस तरह का यूज़ किया गया है, जो टेंसेस के रूल्स हैं वो सेम ही रहेंगे जो रूल्स मैंने आपको पीछे करवाए हैं। तो रूल्स करवाने के बाद में आपने क्या करना है, टू जहाँ पे भी आपको दिखेगा टू के साथ में ही आपने बी लगाना है। देखिए मैंने अलग नहीं लगाया है, टू के साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया है, ये लगा देंगे। बाकी जो रूल्स हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे जो मैं वॉइसेस में करवाती आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो वॉइसेस का पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी मैंने आपको करवाया है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी है, तो मेरी जो कोशिश थी वो कामयाब हुई होगी। आपको जो वॉइसेस हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। इनकेस अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है वॉइसेस को, जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी और दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप वॉइसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आर्टिकल्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको ग्रामर का पोर्शन जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। इनकेस कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच।